नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो है कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती था वो क्या चुनावी घोषणा था या सिर्फ और सिर्फ जुमला था, इसके ऊपर बात करेंगे। और देखो ये जुमला ही बस नहीं था, इसके ऊपर बैकग्राउंड में काम भी किया गया था कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आए, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो वायरल वीडियो है, ठीक है, हमारे सांसद विजय बघेल जी का, उनका वीडियो क्लिप एक छोटा सा है वो देख लीजिए। उसके बाद आप सभी को पूरा का पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये जो भर्ती थी कोशिश किया गया इसका लाने का, लेकिन क्यों नहीं आया ये भगवान जाने। सबसे पहले आप सभी विजय बघेल जी का वो वीडियो क्लिप देख लीजिए। अरुण अग्रवाल जी ने जो है कृषि विधानसभा में जो है पूरी की घोषणा की थी, जैसे सर और हमारे ही जो है जैसे साथी जब कई जगह जैसे बिलासपुर रामायण में रायपुर जगह जहाँ जाते हैं उसी तरह से आज समय में नहीं हो गया। आज तक हम कदम तक घोषणा होगा घोषणा होगा घोषणा। देखिए अब आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या क्या किया गया है। सबसे पहला चीज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है बीजेपी का घोषणा पत्र, लगभग 56 या 57 पन्ने का है। इसको अभी भी चाहो तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर इसे मोदी की गारंटी कह करके पेश किया गया था। और अगर बात करें ये जो विजय बघेल जी हैं, ठीक है, जिनका अभी आप सभी ने वीडियो क्लिप देखा, हो सकता है वीडियो में इनकी आवाजें क्लियर नहीं थी, लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ का ये घोषणा पत्र बन रहा था तो उसमें आप सभी देखेंगे ये किस पद पर है। ये श्री विजय बघेल जी संयोजक हैं घोषणा पत्र समिति के। तो समझिएगा कि इनका ये बात कहना कि घोषणा वोषणा क्या होता है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि विजय बघेल जी भाजपा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे हैं। इसके साथ सह संयोजक भी थे, रामविचार नेताम जी थे, अमर अग्रवाल जी थे, शिवरतन शर्मा जी थे, बहुत सारे लोग थे, ये सारे के सारे सदस्यों को देख सकते हो। इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी समझिए, और जो भविष्य में जो नेता होंगे अगर वो भी घोषणा पत्र के नाम पर आपसे मिलने के लिए आए कि हम घोषणा पत्र बना रहे हैं, ठीक है, और बाद में उनका एक ये भी वीडियो क्लिप दिखाएगा कि आपने तो अपने समय में कहा था कि घोषणा पत्र बना रहे हैं, हम सारे घोषणा पत्र को पालन करेंगे, और बाद में आप कहते हैं कि ये घोषणा वोषणा क्या होता है, ठीक है, वीडियो क्लिप जैसा कि आप सभी ने देखा। अब आगे चलते हैं, देखिए इनका ये वादा था, पेज नंबर 24 या 26 में है, ठीक है, आप सभी को पेज नंबर कौन सा ये बता देता हूं, पेज नंबर 24 में है। यहां पर ये देखिए जो तीसरा पॉइंट है पेज नंबर 24 के, उसमें लिखा है हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे। तो 57,000 तो भूल जाओ, लगभग 33,000 शिक्षक पद शिक्षक का भर्ती आने वाला था। कैसे आने वाला था वो सारा का सारा चीज आप सभी को समझाऊंगा भी। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा था कि हम वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोलेंगे, लेकिन आप सभी को आगे दिखाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में कई सारे स्कूलों को बंद करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। तो ये एक प्रकार से शिक्षा के लिए बहुत ही गलत कदम भाजपा सरकार के द्वारा उठाया गया। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, बस्तर में सबसे ज्यादा 428 स्कूलों में एकल शिक्षक है, सिर्फ एक ही शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर है, न्यूज़पेपर से लिया गया है क्योंकि ये। और ये देखते हैं, एक वर्ष में 33,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, ये हमारे विजय बघेल जी ने कहा था, ठीक है। तो विजय बघेल जी ने बहुत हद तक कोशिश भी किया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आ जाए, इनकी जो कोशिश थी वो सभी चीजों को भी बताऊंगा, ठीक है। ये विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया था परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10, ठीक है, इसमें था बस्तर संभाग अंतर्गत एकल शिक्षक व शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो हमारा बस्तर संभाग है उसके अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये सब मिलाकर के लगभग 1782 वहां पर एकल शिक्षक और साथ ही साथ शिक्षक विहीन स्कूल थे। तो ये बहुत सारा, और साथ ही साथ इसमें देखोगे कि स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या भी इन्होंने मांगा था। तो लगभग उस समय देखो सत्ता में आने से पहले क्यों 21 जुलाई 2023 के ये चीजें हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ चुनाव हुआ, तो इसी के आधार पर क्या बोला गया था कि कुल 57,447 पद जो रिक्त है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार बनेगी हम लोग 57,000 शिक्षक पद पर भर्ती करेंगे, ये वहीं से पता चला। लेकिन बाद में ये जैसे जैसे आप सभी आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो 57,000 शिक्षक भर्ती था उसको इन्होंने कितना कर दिया था, लगभग 33,000 शिक्षक भर्ती कर दिया था, वो सभी चीजों पर भी आऊंगा।
ये है जब वित्त विभाग के पास गया उस समय देखो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत हद तक कोशिश किया, फिर से बोल रहा हूँ क्यों कोशिश किया देखो, ये अब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को क्या किया गया था, विधानसभा तो जीत गए लेकिन उनको लोकसभा का भी सदस्य बनाया गया था। तो ये जब लोकसभा का चुनाव था ना उस समय ये लेटर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। ये प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78,000 पद रिक्त है, ये पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है, ये जो इन्होंने पेन से लिखा हुआ है ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का राइटिंग है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार की वित्तीय भार जो भी अगर शिक्षक भर्ती करते हैं तो उसमें नहीं लगेगा, और इसमें ये बहुत पहले इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, आप सभी ने संभवतः मैंने उस वीडियो को भी देखा होगा। तो ये ब्रिजमोहन अग्रवाल ने जब लोकसभा के वो सांसद के लिए लड़ रहे थे रायपुर से, तो उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि छत्तीसगढ़ में 33,000 जो शिक्षक भर्ती है एटलीस्ट वो आ जाए, और उसके लिए उन्होंने ओपी चौधरी जी को लेटर भी लिखा था, माननीय श्री ओपी चौधरी जी मंत्री छत्तीसगढ़ वित्त शासन। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का है, ये उस समय बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था, ठीक है। अब मेन आप सभी को बताता हूं हमारे छत्तीसगढ़ में जो कितने शिक्षक पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं, ठीक है। जो स्वीकृत पद संख्या है वो लगभग 2,46,968 के आसपास है, और अगर आप सभी को देखोगे वर्तमान पद संख्या, कुल रिक्त पद संख्या अगर देखूं हर किसी का, तो लगभग 70,000 के आसपास है, 69,781 के आसपास खाली है, ठीक है। और इसमें सब चीज का है, जैसे कि प्राचार्य का है, व्याख्याता का है, व्यायाम शिक्षक का है, शिक्षक का है, सहायक शिक्षक का है, प्रयोगशाला प्रधान पाठक है, शिक्षक प्रधान पाठक, ये सारी चीज, ये सब पर वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है, आप सभी को चीजों को याद दिला रहा हूं। अब देखो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पद भर्ती के संबंध में जो नोटशीट चला था वित्त विभाग में, देखो ऐसा नहीं है कि वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती करने के लिए, वित्त विभाग से परमिशन भी मिला हुआ है, ये पूरा का पूरा नोटशीट दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले इन्होंने जो भेजा था उसको उन्होंने क्या किया कि नहीं थोड़ा सा इसको और अच्छे से काट छाट के फिर से कृपया विभागीय प्रस्ताव का अवलोकन करना चाहेंगे, ये विभागीय प्रस्ताव उन्होंने मांगा था। उसके बाद फिर पूरा जो नोटशीट चला था, ठीक है, आरटीआई के माध्यम से प्राप्त ये नोटशीट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पदों के भर्ती के संबंध में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नोटशीट चला था, ये नोटशीट आप सभी चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 4-5 अधिकारियों के साइन भी है, और ये अनुविभाग अधिकारी वित्त विभाग बजट शाखा के भी यहाँ पर पूरा का पूरा अनुशंसा से ये सब चीज गया है, टिप ये सारे सारे हस्ताक्षर किया गया है, और लास्ट में जो प्रस्ताव लिया गया था वो आप सभी को बता देता हूँ, वो मेन है, कृपया स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव का अवलोकन करें, वित्त विभाग के परीक्षा टिप दिनांक 29 फरवरी 2024 के अनुक्रम में विभाग ने संभागवार एवं जिलेवार स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रेषित की है जो नस्ती कर व्यवस्थित है, स्वीकृत पद ये सारा का सारा चीज जो है वो है, ठीक है, कितना कितना है। अब इसके बाद इन्होंने ये बताया था कि कितने पदों पर हम लोग भर्ती करेंगे, ठीक है। विभाग द्वारा प्रस्तावित कुल 32,948 रिक्त पदों को निम्नानुसार 2 चरणों में भरे जाने की सहमति प्रदान की जाती है, वित्त विभाग से भी परमिशन मिल चुका है भाई, ये जो कहा गया 32,948 रिक्त पद है उसको भरा जाएगा, कितने चरणों में भरा जाएगा जी, 2 चरणों में भरा जाएगा, और भर्ती की समिति चाहिए उपरोक्त पदों को भरे जाने पर राशि जो है लगभग 1,692 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा प्रतिवर्ष। तो ये देख सकते हैं कितना कितना पद था, 16,464 पद जो पहले चरण में भर्ती होता, और दूसरे चरण में जो भर्ती होता वो 16,448 पदों पर भर्ती होता, और ये लगभग ये पूरा का पूरा जो नोटशीट चलते चलते मार्च का महीना निकल गया था, ठीक है। इसमें हम सभी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डेट दिखेगा 1/3/2024, ठीक है, मार्च तक पहुंच गए थे 12/3/2024, तो 12 मार्च तक। अब देखो इसमें एक चीज, ये डेट को स्पेशल क्यों मैं बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ओपी चौधरी जी ने एक लेटर और जारी करवाया था कि जनवरी या फरवरी के बाद का पहले, मतलब उनकी सरकार आने से पहले जो जो चीजें वित्त विभाग से परमिशन मिल गई है उसके लिए भर्ती के लिए, उन सभी को निरस्त कर दिया गया था। अब नए सिरे से जो जो वित्त विभाग से परमिशन मिलेगा उसी पर ही भर्ती आएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मार्च का महीना था, ठीक है, यहाँ पर इनका ये 7/3/2024, तो मार्च के बाद का है वित्त विभाग से परमिशन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आने में कोई हर्ज नहीं है, आ सकता है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती, क्योंकि वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है, सब जगह से है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो है वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो पता नहीं छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा क्यों कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 16,464 पद प्रथम चरण में, और दूसरे चरण में 16,484 पद ये आ सकता है। और अभी देखो विजय बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि घोषणा वोषणा क्या होता है, ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी बोल रहे थे एक बार जब बच्चे लोग वहां गए थे कि पैसा कहां से आएगा भाई, पैसा कहां से आएगा ये बताओ। तो ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार चाह क्या रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर चीज कर लिया भाई, मतलब समझो कि कहीं भी रुका नहीं है ये भर्ती आने के लिए,
लेकिन क्यों रोक करके रखा गया है ये समस्या परे है। आप सभी छत्तीसगढ़ के स्कूलों को देख सकते हो, बहुत सारे स्कूलों का हालत ही खराब है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन ही जर्जर हो चुका है। कई सारे बच्चे हैं जो बिना टीचर के पढ़ रहे हैं, अब सोचो उनका भविष्य क्या होगा। अब भविष्य में जाकर के आप उनको कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए बोलोगे कि जाओ भाई तुम एम्स का एग्जाम की तैयारी करो, तुम जाओ मेडिकल का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई सीए का तैयारी करो, कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे भाई उन लोग, नींव ही कमजोर है। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को और जो शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल वो भी मुख्यमंत्री ही हैं, तो इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ी अच्छी हो। ये वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि हाँ नेता बोल रहे हैं भाई जुमला था, या नेता बोल रहे हैं कि क्या होता है, हम नहीं मानते भाई घोषणा पत्र को, तो तुम ही लोग तो बनाने के लिए गए थे ना भाई, ठीक है, मानना तो चाहिए आप लोगों को। और अगर आप सभी नहीं मान रहे हो तो चलो अधिकारियों ने जो नोटशीट चलाया था उसको भी बोल दो कि वो सारा सारा फर्जी था, वो सारा गलत था, ये आरटीआई से माध्यम से प्राप्त है ना, कहीं भी मेरे मन का नहीं हो, तो बोल दो कि ये भी सारा गलत था, ऐसा कोई कार्रवाई भी हम लोग नहीं की है। बाकी वीडियो यहीं तक था, आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेन मिश्रा को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।